हेलो एवरीवन। तो चलिए, संडे का 8 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था टेस्ट सीरीज़, ठीक है, 8 जनवरी को टेस्ट सीरीज हुआ था। इस बार टेस्ट सीरीज नंबर है 43, पूरा ऑल इन वन आ रहा है। 50 नंबर जीएस से, 50 नंबर छत्तीसगढ़ से। तो इस बार का कैसे क्वेश्चन दिया था, चलिए सॉल्व करते हैं। और कैसे कैसे लेवल आ रहा है, कहाँ से आपको कितना कवर करना है, कितना आप आई होप सभी जो है प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है 12 फरवरी को। तो देखते हैं कि इस बार का पहला क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। सामान्य अध्याय ये है जियोग्राफी से। तो यहाँ पे निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये चीज़ को हमको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है टॉपिक, कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। दूसरा बोलता है कि श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी और पाल जल संधि द्वारा अलग हुआ, और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, केवल ए जो है करेक्ट है। कि भारत की जो अगर हम मैप बनाएंगे ना, रफली बना देता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो बिल्कुल जो है भारत की स्थलीय जो सीमा है 7 देशों को जो है छूती है। बाकी श्रीलंका पूछ रहा है कि खंबात भारत जाप पाक जल संधि को अलग करती है, ये गलत है। और भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है मैकमोहन रेखा कहलाती है, ये भी गलत है। हमको सही को बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ये चीज़ तो पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान की जो बीच, भाई बाकी भारत और पाकिस्तान की जो बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ठीक है, नॉट मैकमोहर रेखा, रेड क्लिप। जब सैटेलाइट से दिखा गया है तो भारत और पाकिस्तान की ये जो है नाइट में बहुत चमकता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये रेड कलर का है, इस कारण जो है बहुत ही ऊपर से भी हम देखते हैं सैटेलाइट से तो ये चमकता है, तो क्या कहलाता है, रेड क्लिप रेखा, ठीक है। ये 17 अगस्त 1947 से ये लागू है, ठीक है, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो ये लिखा है मैकमोहन है, वो भारत और चीन के बीच में खींची गई, तो याद रखना है, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि नीचे दिए कथनों पर हमको ध्यान से पढ़ना है। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। ये भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सत्य है। दोनों प्लेटों के मध्य थेटी सागर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सेकंड का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ कुछ जो है भारत में गर्म जल स्रोत और उसके राज्य कहाँ कहाँ है वो बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो मणिकर है वो आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सत्य है। और बकेश्वर, जो बकेश्वर है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बकेश्वर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तुआ जो है गुजरात में है, और उनाई जो है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, थर्ड का डी इज करेक्ट आंसर। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, ये कहाँ है, आपके पूर्वी हिस्से में है, ठीक है, गारो खासी मेघालय में, ये एक जनजाति है। तो बताएंगे कि मेघालय के पठार में जो गारो खासी जयंतिया क्या है, जनजातियाँ हैं। तो चौथा का डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में हमको कथन बताना है, कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है, बिल्कुल सत्य है भाई। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः विसर्प बनाती है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है, विसर्प बनाती है। ये नदियाँ पौड़ अवस्था में है, गलत है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है, गलत। तो ऑप्शन ए, पांचवा का ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट, अब पूर्वी घाट के बारे में हमको बताने की क्या सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अनाईमुड़ी पूर्वी घाट की सबसे चोटी है, गलत है, अनाईमुड़ी नहीं है पूर्वी घाट की सबसे चोटी। गोदावरी महानदी और कृष्णा जैसी नदियां पूर्वी घाट से होकर, भाई गोदावरी महाराष्ट्र से आती है, महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में है, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र, तो ये क्या है, ये हम पश्चिमी हिस्से से ये बहते हुए कहाँ जाती है, पूर्वी साइड जाती है, जैसे गोदावरी नदी हो, महानदी, ये सब उड़ीसा कटक में जाके मिलती है। तो बिल्कुल सही है ना, कि ये पूर्वी घाट से होकर बहती है, पश्चिमी से आती है और पूर्वी घाट से होकर बहती है। तो सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत था। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीनतम नवीन पर्वत श्रेणी है, जो असंत पहाड़ियों की श्रेणी है, गलत है ये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो छठवा का बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका छठवा का बी इज करेक्ट आंसर। सातवा देख लेते हैं, क्या है सातवा क्वेश्चन, कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भाग में नवीन नदी द्वीपों का निर्माण करती है, रिवरण, ठीक है, नदी द्वीपों का निर्माण करती है, पूछा कथन एक। कथन तो बोलता है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीर होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। तो सातवां का सी इज करेक्ट, कथन ए तो बिल्कुल सत्य है किंतु कथन बी गलत है, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ठीक है, तो अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेट के संबंध में हमको बताना है क्या सही है, सत्य को बताना है कि यह विश्वत अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है कि विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र है और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक सकता है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों सत्य है। नवा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं है लैटराइट मृदा के संबंध में। नेक्स्ट को ठीक है, इसका ऑप्शन क्या के लिए है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। यह मृदा जो लैटराइट के बारे में बता रहे हैं ना कि ये जो मृदा है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। हम गलत को बताना है, ये बहुत ही अपचालित मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। यह मृदाएं प्रायद्वीपीय उच्च क्षेत्रों में भी पाई जाती है, ये भी सत्य है। लेकिन हमको गलत ये बताना है कि ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं, लैटराइट मिट्टी कृषि के लिए नहीं, लैटराइट मिट्टी में तो बगानी फसलें होती है, तो ये कृषि के लिए उपजाऊ है क्या, नहीं। उसमें हम जो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो लाल मटासी मिट्टी ये सब कृषि के लिए उपजाऊ मानी जाती है, इसमें तो बगानी फसलें होती हैं, जैसे बड़े बड़े जो बगाने हैं चाय के लिए है, फल फूल जो सेब लगाते हैं वो हमारे, जैसे ऊपर क्षेत्र में देखेंगे ना मैन पार्ट क्षेत्र में तो लैटराइट मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दसवां कि निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है, प्रवाल भित्तियों के बारे में हमने बहुत पढ़ा हुआ है। तो दसवां का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखो प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप में समूह पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, सुंदरवन जो डेल्टा है वहां नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, प्रवाल भित्तियां पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप में, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो दसवां का ए इज करेक्ट आंसर। भारत, अब देख लेते हैं ग्यारहवां कि भारत के, याद रखना है एक चीज, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसको अच्छे से याद रखना है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किससे ली गई है, तो ये ली गई है रूस, रसिया से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्यारह का ए इज करेक्ट। बारहवां देख लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है और हमको इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, तो बारह का देख लेते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालीन उधार लेता है, गलत है ये। तो रेपो रेट दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालीन उधार पर लेता है, ये भी गलत है। तो हमको गलत ही बताना था, दोनों जो है बारह का सी इज करेक्ट आंसर, दोनों गलत है। वर्ल्ड, ये बार बार मैं जो है बताते आ रहा हूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी आई है, तो 13 का 136, याद रखना इसको, याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत के अभी 2022 में जो रैंकिंग आई है वो है 136वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य रूप से जो मुद्रा है नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति, जो कंट्रोलिंग करते हैं ना मनी सप्लाई में वही होता है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, 14 का ए इज करेक्ट। 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित जो संगठन है उस पर विचार करना है। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर इज डी, तीनों सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण को बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सापेक्ष निर्धनता का आधार को बताना है, क्या है ये सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर इज सी, जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को बताता है सापेक्ष निर्धनता का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीबी का दुष्चक्र प्रतिपादित किया गया, किसने किया था गरीबी के दुष्चक्र, तो 17 का सी, किसने किया था, रेगनर नरकेस द्वारा किया गया था, 17 का सी इज करेक्ट आंसर। विद्युत उत्पादन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो है प्राथमिक क्षेत्र में देखते हैं, जैसे बहुत सारे लिखा रहता है कृषि विषि खनन उत्खनन ये सब पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे विद्युत उत्पादन पूछा गया है, तो 18 का बी, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेकेंडरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो 19 का करेक्ट आंसर इज बी, ये आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, जो मेजर करते हैं ना इनकम इनइक्वालिटी को, उसके लिए किया जाता है, तो 19 का 20 करेक्ट आंसर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, ये हिंदू वृद्धि दर, तो 20 का करेक्ट आंसर इज बी, ये जो है नेशनल इनकम को बताता है हिंदू वृद्धि दर जो है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है निम्नलिखित कथन, मतलब जो लिखा हुआ है उस कौन सा गलत है, 21वां क्वेश्चन, तो देखते हैं। देखो पृथ्वी सम्मेलन बिल्कुल 1992 से स्टार्ट हुआ है, आप इको आंदोलन भी 1983 से, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था, याद रखना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था, तो ये लिख के रखना है, बार बार पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, तो ये गलत यही है। ये देखिए अब यहीं पे जस्ट लिखा है स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित क्या नहीं है बताना है, तो 22 का करेक्ट आंसर इज
सी, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पहला प्रयास था, जो कि गलत है। इस सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण उसमें सुधार करना, ये भी गलत है। इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था, ये भी गलत है। ये बताएंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 15 जून 1972 को आयोजित की गई थी, जो कि सत्य है, हमको सही नहीं को बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्वरकों के बारे में जानकारी देखते हैं, क्या बताता है कि 23 का करेक्ट आंसर इज डी, सभी सत्य है कि ये एक रासायनिक पदार्थ है। ज्यादा उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है, एक पोषकी तत्व और बहुपोषक तत्व भी होते हैं, तो जो कि सभी सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरी खाद से क्या तात्पर्य है, तो हरी खाद से तात्पर्य है ग्रोइंग ग्रीन क्रॉप्स ऑफ लेगुमिनियम प्लांट्स, मतलब लेगुमिनियम पौधों की हरी फसल उगाना ही हरी खाद से तात्पर्य होता है। 24 का पेस करेक्ट आंसर। 25 देख लेते हैं, जल प्रदूषण से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा अभी जो दिखता है वो टाइफाइड, अगर गलत प्रदूषित जल पी देते हैं तो टाइफाइड तो होता ही, तो टाइफाइड इसमें भी है, जिसमें नहीं है सभी में टाइफाइड, ठीक है। और हैजा भी होता है, पेचिस भी होता है, पोलियो भी होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। एनीमिनिया नहीं होता इससे, स्क्रबी भी नहीं होता, तो स्क्रबी वाला तो हटा ही दीजिए। हैजा होता है, पेचिस होता है, पोलियो होता है, टाइफाइड जल प्रदूषित होने का सही समूह है। अब अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है वो देख लेते हैं, तो 26 का डी भाई, इसमें HNO3 और H2SO4 होता है अम्ल वर्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट निकट जब बीम को रखते हैं तो क्या होता है, ये आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है, मैग्निफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण दोनों में क्या डिफरेंस है, परिभाषा आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, अंतर यह है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, वाष्पीकरण कोई भी तापमान में हो जाता है, बट कि क्वेथन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला निजी रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो भारत का पहला जो है आंध्र प्रदेश से किया गया था। इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर ने पहली बार चंद्रमा पर अपनी प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया था, तो 30 का करेक्ट चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा, तो 31वां का करेक्ट आंसर इज बी, पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संगम युग के निम्नलिखित में से किस राजा को कावेरी नदी पर बांध बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो 32 का करेक्ट आंसर इज सी, कराई, कराई कल को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजर नामक संगठन किस देश में गठित किया था, तो 33 का करेक्ट आंसर ये जर्मनी में किया गया था, नॉट सिंगापुर, गलत है, ये जर्मनी में किया गया था। 34वां का करेक्ट देख लेते हैं, 34 का करेक्ट आंसर इज ए, सही है, कि जमींदारी बंदोबस्त जमींदारी के साथ किया गया था, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसको के साथ किया गया था, जमींदारी बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसको के साथ किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जमींदारी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक बनाया जाता था, क्योंकि जमींदारों के साथ करें और रैयतवाड़ी किसको का मालिक बना, तो दोनों सत्य है, बाकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1807 की पूना की संधि के बारे में हमको सत्य को बताना है, तो 35 का करेक्ट आंसर इज डी, तीनों सत्य है, कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य के नेता का पद त्याग दिया और बाजीराव द्वितीय ने अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा अंग्रेज को दे दिया, और बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश सहमति के बिना बाहरी किसी बाहरी शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक और न्यायिक सुधार में कौन से बिंदु शामिल थे, तो ये बहुत इजी था, इस समय क्या थे, कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, साथ ही जमींदारी के न्यायिक कार्य की समाप्ति हुई थी, और आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई थी, सत्य है डी। किस उपनिषेद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया है, तो 37 का ए, छांदोग्य में, ठीक है। 38 का देख लेते हैं, अरबी, यहाँ पे 38 में है, क्या बताते हैं कि अरबी भाषा में हमको सत्य को बताने कि अरबी भाषा का अर्थ मृतकों का टीला होता है, 38 का करेक्ट आंसर इज बी, गलत। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास ने किया था, मोहनजोदड़ो के नगर में दुर्ग का निर्माण किया गया, सही है। 39वां का क्वेश्चन में इन्होंने जो है आपको इस कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, इन्होंने जो है विलुप्त कर दिया आंसर की को, ठीक है। तो इसका आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्या समुद्रगुप्त के कथनों पर हमको सत्य बताना है, कि समुद्रगुप्त ने कविराज मार की उपाधि धारण की थी क्या, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे, या इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था, तो इसका आपको कमेंट करके जो है आंसर बताना है क्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवरत्न और उसके क्या विषय क्षेत्र थे, तो 40 का बी, कालिदास जो कि साहित्य क्षेत्र में थे,
छपनक, ये ज्योतिष थे, छपनक ज्योतिष थे, और शंकु मतलब होता था स्थापित व रुचि थे व्याकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का निम्नलिखित कौन से परिकल्पित हैं? तो 41 का सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन को बताता है, 41 का, सॉरी गलत में लिखा यहाँ पे, 41 का सी। ठीक है, ये 41 का सी इस करेक्ट होगा। मानवदेह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी बोलते हैं ना उसी को, उसका निषेध को बताया है, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध बताया, तो ऑप्शन सी इस करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 42। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमको बताना है क्या सत्य है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों की अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परतनी नहीं है, तो 42 का सी इस करेक्ट, दोनों सत्य है। 43 को देख लेते हैं कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है और अच्छे से पढ़ना है इसको, क्या कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद से रिक्त देगा। बिल्कुल सत्य है, रिक्त हो जाता है उसका पद। ये जब जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाए तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, ये गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 44वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो 44वां का ए, उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र होते हैं, तो यही बस करेक्ट है। 45वां देख लेते हैं कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो 45 का करेक्ट आंसर इज डी, सभी सत्य है, कि राज्य और संघों के बीच के संबंध को बताता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, कि संघ और राज्यों के बीच संबंध है, राज्यों के मध्य संबंध है, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये सभी जो है सत्य है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां, वित्तीय आपात के संबंध में देखना है, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उस समय क्या होता है, तो 46 का करेक्ट आंसर इज डी, तीनों सत्य है। 47वां देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद का क्या प्रावधान है, तो 47वां करेक्ट आंसर इज बी, 315 जो है संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग को बताता है, 317 जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती और निलंबन को बताता है, 316 जो है सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल को बताता है, 320 तो लोक सेवा आयोग के कार्य को बताता है। 48वां देख लेते हैं, 48वां का करेक्ट आंसर इज सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य से संबंधित नहीं है, कि अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकार देने के प्रति सचेत करना। 49 का देख लेते हैं करेक्ट आंसर इज, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए, ए बी सी, तीनों सत्य है, तीन। ठीक है, कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य का संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तीनों सत्य है। चौथा गलत है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित करते हैं, भाई डायरेक्टली आप सीएम को वो देते हैं क्या वोटिंग, नहीं, हम जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के उसको देते हुए एक चुनते हैं। अब देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अनुच्छेद के बारे में बताना है, 50 का बी इज करेक्ट आंसर, कि 76 बताता है भारत के महान्यायवादी को, 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, और 75 एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों की नियुक्ति को, और 131 भारत के महान्याय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है 36 से 50 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है बना हुआ है 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि परंपरागत और जीवन उपयोगी वृक्षों के संरक्षण हेतु तो नगरीय निकायों में संचालित उस योजना का क्या नाम है, तो उस योजना का नाम है कृष्ण कुंज योजना। ठीक है, वो उस योजना का नाम है कृष्ण कुंज योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल में ही मत्स्यिकी बोर्ड द्वारा किस राज्य को बेस्ट इंग्लैंड, सॉरी हाँ इनलैंड है, स्टेट इन फिशरीज पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अभी हाल में ही जो है 36 राज्य को मिला है बेस्ट इनलैंड स्टेट फिशरी के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं कि कोंडागांव जिले में कौन कौन से जो है ये घाटी जलप्रपात स्थित है, तो 53 का करेक्ट आंसर इज डी, सभी है, कि केशकाल घाटी भी है, घूमर घाट भी है, होनहेड़ भी है, देखिए लिमदरा है, माजिनगढ़ है, मिर्दे सभी है। 54 देख लेते हैं, देखिए अब नया नया क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि समलूर का शिव मंदिर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, यह 11वीं 12वीं शताब्दी कालखंड से संबंधित है, तो 54 का करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट और दोनों सत्य है कथन। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुटुम्बसर गुफा को अंधी मछली का निवास स्थल कहा जाता है, इन गुफाओं की खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी, तीरथगढ़ झरना कांगेर घाटी का जादूगर कहलाता है, तीरथगढ़ झरना
इंद्रावती नदी पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर इस 55 का करेक्ट आंसर इस सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है। भाई तीरथगढ़ झरना इंद्रावती पे नहीं है, इंद्रावती पे तो चित्रकूट जलप्रपात है। ये तीरथगढ़ जो है आप जब देखते हो सबरी नदी निकलती है, सबरी नदी में ही कागेर नदी है, कागेर की एक सहायक नदी है मुनगा बहार, इस मुनगा बहार में है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, जब आप मैप को अच्छे से पढ़ेंगे ना हम नदी वाला, तो उसमें से अच्छे से याद होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था रायपुर के साइंस कॉलेज में, तो क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या क्या होगा कि ये 1 नवंबर 2022 को रायपुर के साइंस कॉलेज में हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन की अध्यक्षता, ये गलत है। समारोह में 10 देशों के कलाकार शामिल हुए थे और अंतिम समापन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। तो फर्स्ट थर्ड फोर इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखना है यही कौन कौन से नृत्य शामिल थे, तो 57 का करेक्ट। भाई जो बताया ना अभी 10 देश शामिल थे, ये सभी देश हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 का, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण। मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से आपको पूरा एकक को याद रखना, एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार। तो 58 का करेक्ट आंसर है कि दानवीर भामाशाह पुरस्कार कौन है, तो 58 का ए, ये श्रीमती गंगोत्री वर्मा हैं। बस नेक्स्ट, बस्तर जिले के सरकारी योजना के प्रचार और क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहायता हेतु गठित संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है युवोदय। ये बस्तर जिले के लिए पूछ रहा है, ठीक है, युवोदय। असत्य कथन बताना है नेक्स्ट, 60 का देख लेते हैं, असत्य कथन कौन सा है। राज्य में धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सत्य है। 210 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सत्य है। कुल 2497 रुपये की धान खरीदी की गई, गलत। और 25,93,000 लाख कृषकों ने धान विक्रय के लिए पंजीत कराया, सत्य है। तो ऑप्शन हमको असत्य को ही बताना था, सी जो है गलत है। अब यहाँ पे बताने की कौन से जो इतने सारे जो मंदिर हैं वो केंद्र संरक्षित सूची में आता है, तो 61 का डी, सभी शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य में चितवरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, चितावरी महोत्सव मनाया जाता है ये कहाँ, ये है बलौदा बाजार में, चितावरी महोत्सव। राज्य में चिन्हारी योजना का संचालन किया जा रहा है, चिन्हारी योजना इसका संचालन होता है संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा। अब यहाँ से देख लेना है, सुमेलित करना है, सुंदरलाल शर्मा, दाऊ मंदरा जी, किशोर। तो आपको एक चीज़ तो अच्छे से आता है कि राजा चक्रधर शर्मा रायगढ़ से है, तो ये क्या चीज़ है ये, भाई ये सभी को पता होता है किससे संबंधित है, ये है कला शिल्प से। तो फर्स्ट आप फोर्थ का सी देख रहे, फोर्थ का ए देख लीजिए किसमें है, सिर्फ इसमें है, एक ही बार में टिक लगा देंगे। पंडित सुंदरलाल जो शर्मा सम्मान है वो दिया जाता है आंचलिक साहित्य के लिए, और दाऊ मंदरा जी सम्मान दिया जाता है लोक कला के लिए, किशोर जो सम्मान है हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म सिनेमा से संबंधित, राजा चक्रधर कला शिल्प से है, तबला वादक थे राजा चक्रधर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, 65 का करेक्ट आंसर इज ए। अगर आप इसमें से एक चीज भी याद रखा, बाकी जैसे मुझे एक चीज अच्छे से याद था कि पचराही जो है कबीरधाम में है, कबरधाम है, तो थर्ड का एक इसमें है, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसी में करेक्ट, बाकी ऑटोमेटिक जो है बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस पर्वतरोही को तेंजिंग नारगे राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो ये है नैना सिंह धाकड़ को। घोटुल के संबंध में असत्य कथनों पर विचार करना है कि कौन सा गलत है, ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर इज डी, चौथा और सिक्स बस गलत है कि घोटुल के जन्मदाता अंगदेव मानते हैं, ये गलत है। और जॉर्ज गिरसन ने द मुरियन, भाई ये वेरियन एल्विन ने लिखा था द मुरियन देयर घोटुल, और ये बूढ़ा देव है नॉट अंगदेव। पंडो जनजाति में धनराशि के अभाव में प्रचलित विवाह को क्या नाम से जानते हैं, ये बरोखी विवाह के नाम से जानते हैं। देखते हैं यहाँ पे जनजाति पर्व, 69 का बी इस करेक्ट आंसर। परजा जनजाति धनकुल मनाते हैं, उराव तो सरहुल का पता ही है, देख लेते फोर्थ का डी इसी में है और इसमें भी था, तो इसको ऐसे काट के आपको बनाना है। हलवा ढेरसा है, कोरवा, अमाखाई और उराव सरहुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 दूनी 4 योजना जो चल रही है सरकार की, कौन सी योजना से संबंधित है ये, तो ये चल रही है गौमूत्र खरीदी जो चल रही है, ये 2 दूनी 4। अभी राज्य में नवनिर्मित जिला बने हैं, क्रम को बताना है, 71 का देख लेते हैं ए। पहला जो है नवनिर्मित में देखें तो मूला मानपुर, फिर सारंगढ़ भिलाई, खैरागढ़ छुईखदान, महेंद्रगढ़ चिरमरी और शक्ति, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ से निकली हुई है, जैसे 72 का करेक्ट आंसर इज ए। ईब नदी निकली है खुर्जा पहाड़ी से, हसदो नदी निकली है कोंगसरा की पहाड़ी से, रिहन नदी निकली है मतरिंगा के पहाड़ी से, और अर्पा नदी कैमूर।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थ्री का क्वेश्चन करते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कब लागू किया गया था, तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है लागू किया गया था 73 का बी सन 2020-21 में, इसको अभी जस्ट 2021 जो गया है, अभी 23-24 चालू हो गया, तो ये 2021 में मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई थी। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों को क्रम से जमाई है, तो याद रखना 74 का करेक्ट आंसर इज सी, पहले होता है धान, धान के बाद सबसे देखो सबसे ज्यादा होता है धान छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में किया जाता है मक्का, मक्का के बाद में आता है गेहूं, गेहूं और चना सबसे कम है, ठीक है, उसके बाद में चना, उसके बाद में और बहुत सारे आते हैं, तो इसमें क्रम में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 क्या क्वेश्चन है कि हाथा माड़ा और बहरा झारिया प्रगतिक स्थल कहाँ है। देखिए नया चीज जो है हमको देखा कि ये कहाँ पे, तो ये है आपके कोरबा क्षेत्र में, ठीक है, हाथामाड़ा जो बरहा झारिया प्रगति स्थल कहाँ है, प्रगतिक स्थल कोरबा में है। अब यहाँ से देख लेते हैं 76 का, अच्छा क्वेश्चन है, 76 का सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं, हमको बताना है प्रसन्न मात के संबंध में सही कथन, तो बताएंगे सरबपुर शासक नरेंद्र का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सत्य है ये, सरबपुर की स्थापना इसने की थी प्रसन्न मात्र ने, गलत भी प्रसन्न मात्र नहीं, इसने तो सरब राज ने की थी सरबपुर की स्थापना, तो ये तो गलत हो गया, पहला सही था। मुद्राओं में अपने नाम का उल्लेख किया था, बिल्कुल सत्य है, ये वैष्णव धर्म के थे, बिल्कुल सत्य है ये भी, और मुद्राओं में शंख और चक्र का अंकन था, सिर्फ सेकंड बस जिसमें नहीं देखे सेकंड इसमें है तो गलत है, इसमें भी तो सही आंसर क्या होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सरबपुर की स्थापना सरब राज ने की थी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि बाला अर्जुन के समय का देख लेते हैं कि सही संबंध को बताना है, तो 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं 77, ठीक है, तो सबसे पहले यही बताएंगे कि बालार्जुन के बारे में कि पांडुवंशी हर्षगुप्त का ही उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है, सिरपुर में लगभग 600 वर्षों तक शासन किया, बिल्कुल सत्य है, चीनी यात्री फाहयान का सिरपुर आगमन हुआ था जो कि गलत है, सर्वाधिक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप सिक्कों के रूप में ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड बस सत्य है। अब देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, मैं बार बार ये क्वेश्चन बताऊं कि सबसे अधिकतम इसको लिख के बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, STSC जनसंख्या चाहे लिंगानुपात में पूछे, जनसंख्या के आधार पूछे, किसी भी ये क्वेश्चन देगा ही देगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का, तो सबसे ज्यादा है कहाँ, सुकमा और रायपुर में, ठीक है, सबसे ज्यादा है सुकमा और सबसे कम है रायपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बताना वेरी इंपॉर्टेंट और इजी, जिन्होंने जो है कलचुरी वंश को पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, उसको अच्छे से आराम से इसमें बनता है, कलचुरी वंश और लाइन से सभी काकती वंश सब आराम से इसको स्टेप टू स्टेप दिया रहता है, तो 79 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, गांगदेव का उत्कल पर आक्रमण हुआ था इसके समय में, ये कमल राज के समय में हुआ था, ठीक है। उसके बाद सकल कोशलाधिपति की उपाधि रत्नदेव प्रथम ने धारण की थी, सकल कोशलाधिपति की उपाधि जो है पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण किया था, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरी के शासक जय सिंह के साथ संघर्ष हुआ था जाजल द्वितीय का, खरोद में खरोद के मंदिर शिलालेख की जानकारी मिलती है किसका, रत्नदेव द्वितीय के समय में, तो ऑप्शन 79 का ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलचुरी काल में कुछ अधिकारी होते थे उसको विभाग को सुमेलित करने, जैसे महापुरोहित, जो महापुरोहित है वो एक राजगुरु हुआ करते थे, बिल्कुल सत्य है। महासंधि विग्रह, संधि मतलब अलग अलग, मतलब कि वो कॉन्टेक्ट करते थे, संधि करवाते थे ना अलग अलग राज्यों से, मतलब वो विदेश विभाग का प्रमुख होता था। ये भी क्वेश्चन यह बनता है, गमागामी क्या होता है, ये जो है यातायात विभाग, एक मिनट ठीक है, यातायात गामिक विभाग के प्रमुख होते थे, महाकोटपाल गांव में कोटवार बोलते हैं ना, दुर्ग रक्षा, तो ऐसे ही आ सकते हैं, कोटपाल मतलब दुर्ग किले का रक्षा करने वाला, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के संबंध में हमको असत्य कथन को बताने की, इसमें से कौन से आंकड़े जो है असत्य है, चले देखते हैं, 81 का करेक्ट आंसर यही असत्य है बता रहा है, क्या क्या देख लेते हैं कि 2021-22 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 8.33% की वृद्धि हुई है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना कब प्रारंभ की गई थी, वेरी इजी और अभी करंट का है, 32 का बी, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है, 2022। एग्नू द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों के बारे में हमको देखना है, 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं, कि छत्तीसगढ़ के भूभाग को परगनों में बांटकर कमल दबई जो है 27 परगनों को इन्होंने कम 8-7 परगनों में व्यक्त किया था, तो बिल्कुल सत्य है ये, प्रत्येक परगना में अमीन की भी नियुक्ति की गई थी, सही है, हमको यह बताना है सत्य कथन को बताना है, तो 83 का करेक्ट आंसर इज ए। मराठा पद पटेल का पद ज्यों का त्यों रखा गया और गौटिया पद, ये हमको बताना है एग्नो के द्वारा भू राजस्व सुधार में, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड बस सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोना खान के जमींदार श्री राम राय बिंजवार के विद्रोह के दमन हेतु भेजी गई सेना के कप्तान कौन थे, ये थे कैप्टन मैक्सेन, ठीक है,
कैप्टन मैक्सन। 1889 के बंबई अधिवेशन के संबंध में हमको विचार करने हैं और कौन सा सत्य है वो बताने, तो 85 का डी सभी सत्य है कि इसकी अध्यक्षता विलियम बेडर बर्न ने की थी और मध्य बरार से लगभग 214 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सीएम ठक्कर थे, रामदयाल तिवारी थे, माधवराव सर्वे और वामनराव लाखे थे, तो जबकि सभी सत्य है। 86 देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट के विरोध में की गई कार्यवाही पर विचार करें, तो 86 का करेक्ट आंसर इज डी सभी सत्य है कि 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया जाता है और बिलासपुर के पचरी घाट में स्नान करने वाले काले वस्त्र धारण कर इसका विरोध किए थे। बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव पर विशाल सभा आयोजित की गई थी, साथ ही साथ इस सभा में शामिल जो नेता थे वो बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र रघुनंदन श्रीवास्तव शामिल थे, ठीक है, जो कि सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ हुई घटनाएं हैं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, तो 87 का करेक्ट आंसर इज डी फॉलोअप, ठीक है। तो 5 फरवरी 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई और 4 मार्च 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई, साथ ही राष्ट्रीय विद्यालय संचालन समिति के मंत्री मामाराव लाखे नियुक्त किए गए और पंचायत मंत्री के रूप में जसकर डागर नियुक्त किए गए, तो सभी सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पाटन में पुलिस की खादी की वर्दी पहनाने हेतु आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, वो थे रामदेव आचार्य जी, ठीक है। 89 का देख लेते हैं कि 1946 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में विजेत उम्मीदवार कौन कौन थे, तो और कहां कहां से थे वो देख लेते हैं, तो महंत लक्ष्मी नारायण दास जो कि कहां से लड़े थे, वो लड़े थे धमतरी से, और उसके बाद रविशंकर शुक्ल जो है वो बलौदा बाजार से थे, ठीक है, और सेठ जमुनालाल चोपड़ा जो थे वो महासमुंद से थे, और राम गोपाल तिवारी जो कि मुंगेली से थे, और घनश्याम गुप्त दुर्ग, घनश्याम गुप्त का संबंध दुर्ग से है, तो ई का तो 3 में दिया हुआ था तो ऐसे ही लगा सकते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं 90 का क्वेश्चन कैसे है, हमको असत्य कथन को बताना, तो इसका सही आंसर है असत्य है पूर्वी राज्य संघ का उद्देश्य रियासतों का पृथककरण पृथक अस्तित्व बनाए रखना था, सही है। इस संघ के निर्माण के विचार को उत्पन्न करने में कार्नेट कारफील्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस संघ के शासक बोर्ड का अध्यक्ष राजा रामनुज प्रताप सिंह को बनाया गया था, कि इस टाइप का क्वेश्चन जो डेप्थ में रहता है इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इस संघ का सख्ती और खैरागढ़ शासकों ने विरोध किया था जो कि गलत है ये संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माती सभा में हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये वेरीजी और थे कौन, थे घनश्याम गुप्त दुर्ग वाले, ठीक है। भंवर पहाड़ का भाग है ये, भंवर पहाड़ कहाँ पे, ये भंवर पहाड़ स्थित है जसपुर पार्ट में, ठीक है, जसपुर पार्ट में। असत्य कथन को यहाँ पे बताना है 93 का, तो भाई यहाँ पे हम बताएंगे असत्य कथन को कौन सा सत्य है, कि देखिए छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रक्षेत्र है, बिल्कुल सत्य है। कर्क रेखा स्थित होने के कारण यह गर्म प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। कि कबीरधाम वृष्टि छाया के अंतर्गत है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये गलत है। हमको असत्य कथन को तो बताना है, तो 93 का करेक्ट आंसर इस भी गलत है। मालेगर नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कि मालेगर नदी घाटी निक्षेप है, इसमें क्या पाया जाता है, तो मालेगर नदी में क्या पाया जाता है, 94 का सी, यहाँ लौह इसके लिए आयरन, ठीक है, लौह इसके लिए फेमस है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये बार बार जो है पढ़ते हैं और सबसे पुराना है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, इसकी स्थापना जो है तो 95 का सी 1982 में स्थापित किया गया था, जो कि पहला बायोस्फीयर है एशिया का, लेकिन अभी वर्तमान अस्तित्व में नहीं है। 96 का देख लेते हैं असत्य कौन सा है, तो 96 का सी बस देवा गीत प्रधान जनजाति का, ये गलत है, बीरम देवार जनजाति का है, बांस तो हमको पता है यादव जनजाति का है, और पंथी सतनामी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिवासी भाषा विज्ञान पुस्तक के लेखक थे कौन, लेखक है डॉक्टर प्रभु लाल मिश्र। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति में हट विवाह का नाम क्या है, हट विवाह को हम जो है ढोकू विवाह के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ अनुच्छेद दिया गया आर्टिकल की, इसमें से गलत कौन सा ही बताना है, तो गलत देखिए 164 बताते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति मंत्री का प्रधान है, 244 जनजातियों क्षेत्र में अनुदान की व्यवस्था को बताते हैं गलत है, 330 लोकसभा में जनजातियों के आरक्षण को बताता है, 332 जो है विधानसभा में जनजातियों के आरक्षण को बता रहे, तो ऑप्शन बी करेक्ट जो कि इसमें गलत है। अब 100 में बताना है कि यहाँ पे असंग का हमको क्या करना है, बताना है इसमें से कौन कौन से युवा गृह उससे गलत है, ठीक है। तो इसमें से देखिए उराव का धुमकुरिया है सही है, बिरहोर का गतियोना है, परजा जो परजा है धांगा बक्सर ये भी सही है, भुइया ये गलत है, तो 100 का भी इस करेक्ट आंसर जो कि गलत है आपको आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही कम टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके।